दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घर से जब भी निकले मास्क जरूर पहने और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने देवरिया जनपद में 200.92 करोड़ की 412 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने सांसद खेल स्पर्धा के समापन समारोह में विजयी प्रतिभागियों को किया पुरस्कृत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। झगड़ा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के दौरान दो पक्षों में मारपीट, दो की हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। एबीवीपी द्वारा आयोजित किया गया पूर्व कार्यकर्ता स्नेह मिलन समारोह। पत्रकार वार्ता कर खेल निदेशक ने दी जानकारी, कहा आगामी 1 से 4 दिसंबर तक तृतीय अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का होगा आयोजन। नौकरी और विदेश भेजे जाने के नाम पर ठगी के शिकार पीड़ितों के साथ पुलिस अधीक्षक नगर ने की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। यूपी टीईटी की परीक्षा का पेपर लीक, परीक्षा हुई रद्द, परीक्षार्थियों को करना पड़ा भारी दुर्व्यवस्था का सामना। भाजपा किसान मोर्चा की ट्रैक्टर रैली में सैकड़ों किसानों ने शहर में भ्रमण कर आम लोगों में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द होने से नाराज एनएसयूआई के छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर किया विरोध प्रदर्शन।